हाँ तो भाई साहब हम लेकर भाई एक घड़ा और गाइस ये बिल्कुल भी चिकना घड़ा नहीं है। हाँ भाई साहब इस तरह आएंगे, बेफिक्र रहो। बड़ी मुश्किल से गाइस कोई चीज मिली हमें अच्छी सी बढ़िया, और भाई इसमें काफी गाइस चीज निकलने वाली है काम की। तो भैया ये रहा इसका स्टैंड। वैसे गाइस पहले मैंने बनाया था गाइस एक पाइप का, लेकिन भाई साहब सोचो भाई इस बार चलो थोड़ी सी अलग चीज करते हैं। तो भाई ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई इसमें दिक्कत एक है कि भाई साहब इसके अंदर जो ना इसका जो पाइप है ना पीछे, देखो भाई ये काटा नहीं है। देखो भाई साहब आपको दिखाई दे रहा हो, देखो भाई ये कितना लंबा, देखो भाई साहब। तो भाई हमें इसे कोशिश करते हैं पहले भाई साहब काट नहीं, कि भाई साहब कट जाए तो भाई साहब मजा ही आ जाए। तो भाई साहब ये मैं लाया 150 रुपए का, और भाई मेरे को नहीं पता ये खुलेगी नहीं खुलेगी। खुलेगी 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 खुलेगी, वाह ओह कपड़े कर दिए इनने। तो भाई साहब ये भी अलग ही टेक्नोलॉजी है यार, ये काट देना चाहिए, दिक्कत ही है भाई इतना लंबा। भाई इसका जो पीछे का जो निकला ना थ्रेडिंग बनी रहा है उसका, मतलब ये थोड़ी पूरा ही लगा देंगे। ओ भाई इसमें दोनों जगह इन्होंने वाल लगा रखे हैं रबड़ के। ये भाई साहब देखो कितना लंबा, देख रहे यार। देखो भाई ये कुछ ऐसा फूटा हुआ है नीचे से इन्होंने, हाँ तो तोड़ दोगे भाई ऐसा। हाँ तो भाई ये लगभग आधा इंच यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो भाई हम इसे इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे जिससे भाई साहब ये एक्स्ट्रा ना निकले। हाँ तो भाई सभी ठीक है, हर इंसान का अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता है चीज में, बस भाई ध्यान रखे इसका अंदर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल जो है प्लास्टिक कटने के बाद भाई ये जो है ना आपके शरीर में जाएंगे और भाई नुकसान पहुंचाएंगे बढ़िया करके, उधम बचाएंगे उत्पाद। तो भाई इन्हें जो है ना अच्छे से साफ कर लें, बस और कुछ नहीं है ये रहा ऐसे। देखो ये साफ हो जाते आराम से, इसके अंदर जो ये पहुंच गया ना वैसे आप इसे चलाओगे ना पहले एक दो बार चलाना है, सारे पार्टिकल से बाहर आ जाएंगे। एक बार मैं इसे पानी से धो लेता हूँ बाहर जाके, जो है ना पार्टी से निकल जाएंगे। A few minutes later. हाँ तो भाई साहब ये इस टाइम साफ हो जाएगा है कुछ बस। चलो भाई साहब फटाफट से भाई मैं लगा देता हूँ। ओ भाई ये काफी, ओ भाई अरे बाप रे भाई बिल्कुल भाई मैंने नक्कड़ पे लगाया जो बात है। शायद भाई आपको मैं दिखा सकूँ अच्छे से, बढ़िया मस्त। चलो भाई आई होप ये लीक नहीं होगा, क्योंकि भाई ये पहली भी हाथ से कसा हुआ था और भाई अभी भी हाथ से ही टाइट हुआ है। दो दो इसमें वाल लग रहे हैं और देख लेंगे भाई लीक होता है तो क्या करा जाए इसका। हाँ ये टोटे थोड़ी सी यहाँ लगती है तो जब भी दिक्कत होती भाई पानी जो है ना भरना पड़ता, अभी से ऐसा रखना पड़ेगा हमें। तो चलिए भाइयों और बहनों भाई साहब ये आते भाई से एप्सन पर या इप्सन पर जो भी है LX300+2। वैसे गाइस इसका जो है ना ये वाला मॉडल नंबर आई थिंक नहीं है, और भाई इसके अंदर हम क्या क्या निकाल लेंगे गाइस, क्या क्या हमारे काम करें दोस्त। ये रहा मॉडल नंबर P170B LX300+2, हाँ इसका मॉडल नंबर होगा। 220/240 वोल्ट पर गाइस चलता है। पहले गाइस फटाफट वोल्टेज देके देखते हैं। आई एम सॉरी गाइस मैंने काफी ढूंढा इसका मेन लीड, लेकिन भाई साहब मेरे को नहीं मिली, तो गाइस मैं की करा। तो भाई आपके भाई के पास लीड नहीं है, लेकिन गाइस आपके भाई के पास दिमाग भी नहीं है, सॉरी आपके भाई के पास गाइस और जुगाड़ है। देखते हैं गाइस क्या होता है। भाई मैं लेकर आया हूं केबल। फौजी भाई आप आराम करो जाइए। तो फौजी भाई हमारे आराम करने गए हैं, आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई गाइस देखते भाई क्या होता है। वल्ला हबीब बनना गाइस आई, और भाई आई थिंक इसका ये ई वाला होगा, ठीक है, और भाई ऊपर वाला होगा। इसमें गाइस तीन पिन होते हैं ना। देखो भाई साहब रिस्क अपनी अपनी, खर्चा पूरा देखे भाई क्या होता, चलता है या नहीं चलता है। ओह तार तो लग गया गाइस, ये ऑन भी हो गया है और भाई साहब ये ऑन भी है। हाँ वैसे भाई से चल रहा है तो पता भाई आपको लगी जाएगी भाई, तो अगर देखा जाए ना कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तार तो भाई मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पर इसका एक स्विच है, चालू तो मेरे कर। ओह ओह चल गया, ओह फौजी भाई चल गया। देखो भाई तो भाई ये इसके बल्ब नहीं है गाइस, इन पर कलर है, देखो भाई इसके अंदर है देखो एलईडी। शायद मैं आपको दिखा सकूँ एक बार गाइस, मैं लाइट थोड़ी कम करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारी शक्ल गंदी है, कैमरा गंदा है, देखो भाई शक्ल गंदी है। देखो भाई तो लोंडे आज बात है। हाँ तो गाइस ये चलो कर दो लाइट। हाँ तो भाई देखो ये भाई कुछ इस तरह भाई जुगाड़ था गाइस, मैं ऐसे चला रहा हूँ, और भाई साहब मैंने आज तक प्रिंटर नहीं चलाया अपनी लाइफ में, कुछ हो रहा है तो बस। ओ चल रहा है देखो। ओ भाई चल रहा है। ओ भाई ये क्या लिखा, ये पोस हो गया है। ओ देखे हाँ भाई इससे चलता भाई। फौज भाई रोकना जरा इस मोटर को, देखा जरा रोकना मोटर को, रोको हाथ अंदर मत लिया ना, रोको रोको तागा लगा दो वहां से। अरे बस अरे कर दिया तुमने खराब, फौज भाई खराब कर दिया, बड़ा चल रहा है। चलो उसे देखे तो भाई हम इसी भी चला सकते हैं। अब भाई बड़ा फंक्शन है भाई ये तो, फौज भाई इसमें तो गियर भी है, देखो चलना जरा। ओ उल्टा चल रहा है भी, चला फौज भाई देखो भाई चल रहा है अब देखो। ओह अच्छा ये भी चल रहा है, देखो भाई एक बार ही उल्टा चलता है, एक बार सीधा चलता है, नहीं नहीं उल्टा चल रहा है,
अभी चल रहा है। हाँ गाइस इसके साइड भी चेंज जाती है। अब भाई ये तो मस्त चीज है भाई, जो बात है अच्छा चल रहा है, तो चल रहा है भाई, चल देगा आराम। प्रिंटर भाई यहाँ पर गाइस कुछ सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए अलग से आउटपुट दे रखी। आई एम सॉरी गाइस इनपुट है, ये आउटपुट नहीं है। पुरानी चीज का इसका फायदा है, आप इसका फायदा उठा सकते हो, सबसे बड़ा फायदा है, आप कुछ भी फायदा उठा सकते हो। चलो भाई साहब फटाफट इसके अंदर गाइस, भाई ये काफी भारी है भाई, इसके अंदर गाइस वेट है अभी तो। वो यहाँ पे गाइस एक अलग से स्पेशल में रास्ता दे रखा पेपर डालने का। ये फटाफट भाई साहब इसे खोलते हैं और गाइस देखते हैं हमारे काम की क्या क्या चीज कैसे निकलेगी। हाँ भाई साहब पहले इसका भाई ये पार्ट निकला है, अगर इसमें कोशिश करूँगा आपको एक पार्ट सही से दिखाने की। देखो भाई ये ऐसे घूमता है ठीक है, अगर इस ये बेल्ट है यहाँ पर, ओ भाई इसमें ढक्कन है, अरे वाह देखो भाई ठीक है, ओ भाई ये बेल्ट है ठीक है, देखो भाई साहब ये रही मस्त चलती है। चलो भाई साहब ये बढ़िया, और गाइस ये यहाँ पे चलती है, देखो ये गियर लग रहा है नहीं वाला ठीक है, तो गाइस ये यहाँ पे गियर लग रहा है वाला सकन रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, बल्कि भाई साहब नेक्स्ट को तोड़ते हैं, ओ भाई ये तो पहले टूट गया अपना, ऐसे निकल गया। हाँ तो भाई साहब यहाँ पे आई थिंक ये इंक आती रहती होगी, और भाई ये आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब ये वाला जो प्रिंट है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर वाला इसमें गाइस ऑप्शन नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे तो ये देखो ये छापता रहा खट 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 खट, आई थिंक मेरे को भाई देखो ऐसा पता नहीं है, आई थिंक गाइस मेरे को ऐसा अंदाजा है ठीक है, सब कुछ गाइस ऐसे निकल रहा है पानी की तरह, और इसके अंदर इंक डलती होगी शायद। एक बार गाइस हम इसे खोल के देखते हैं। ओ भाई ओ भाई अरे भाई इसके अंदर क्या देखो इतना सारा, देखो मैं लाइट जला दूँ, रुक जाओ अब देखो भाई साहब, मतलब भाई ये जो पूरा देखो ये कपड़ा है कागज है भाई, ये एक तरह का इस कपड़ा ही कह सकते हैं, कपड़ा भी नहीं है वैसे गाइस, एक तरह की बेल्ट है, और भाई ये सूती यानी कि कॉटन में नहीं है, इस पर गाइस इंक आती रहती है। आई थिंक गाइस यहाँ पर डाल देते होंगे इंक जो भी हो भाई, कितनी लंबी है फौजी भाई आना जरा, देखो भाई साहब लो पकड़ना रहा कितनी लंबी है, ओ भाई जाओ 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 पहुँचो पहुँचो, अरे बाप रे, लो भाई साहब पूरी पूरी निकल गई बेल्ट, देखो बॉस। अब भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कितनी भाई ये लंबी है। हाँ तो भाई साहब एक दो तीन और चार, तो भाई साहब ये है 8 मीटर, वाओ कमाल हो गया वैसे 8 मीटर भाई इसमें से ये बेल्ट निकली है, और भाई ये मस्त है। फौजी भाई खींच के देखे तोड़ना जरा इसे, तोड़ो जरा सिंगल ही तोड़ लो फौजी भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक रहा है, तेरा भरोसा भी ऊपर करना चाहिए गाइस, बेइज्जती तुझे क्या फायदा, अरे तो रख लो तुम, तुम्हें तो वैसे भी लोवर पहनने का बहुत शौक है, मैं भी लोवर पहनने ना आज मैंने, हाँ लोवर ही पहनने का भाई मैंने, तो यार कपड़े सुखाने काम आएगी, अरे फौजी भाई क्या बात कर दे, खींचना जरा रुक जाओ दोनों खींचते, रुक जाओ ऐसा करो, ओ हो हाथ का लोगे फौजी भाई, तुम्हारे चलेंगे मेरे चलेंगे, ओहो हो भाई काफी मजबूत है बॉस, ये बात है वेरी स्ट्रॉन्ग, वाओ आलू का पराठ हाँ गाइस, सारे दारा भाई काले हो गए मेरे, कोई बात नहीं भाई साहब चलता है खैर, काले हैं तो क्या हुआ दिल्ली वाले हैं, और इसमें क्या है देखो भाई यहाँ पे तो क्या चलता है, और इस दिल में क्या रखा है, ये भाई स्विच है यहाँ पे गाइस, छोटा से टुनटुना से स्विच लग रहा भाई, आप देख सकते हो इस पत्ते को निकाल के फेंक देते हैं ठीक। चलो भाई साहब फटाफट से खोलते हैं यार, धीरे धीरे गाइस खोलते रहेंगे, गाइस ऐसी बात करते रहेंगे। चलो भाई साहब हाँ देखो भाई साहब आई थिंक इसमें लेजर का कमाल है सारा का सारा, ओहो ओहो देखो बॉस मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गाइस यहाँ पत्तियां हैं देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कि आ गई ऐसे चोट मारती है इस पर, कई सी प्रहार करती है बेल्ट पर, जिसका इस बेल्ट जो ना प्रिंट कर देती है, इंक उस पर प्रिंट हो जाती है, कुछ ऐसा लग रहा है भाई इसे, भाई साहब ये क्या लिखा क्वेश्चन लिखा, अच्छा गर्म हो जाती है ये लिखा इस पर होट, देखो भाई आई थिंक ऐसा होता होगा पता ना, ये भाई देखो ऐसे यहाँ लगे रहते हैं भाई, ये बेल्ट जो ना इसके सामने ऐसे रहती है, और गाइस ये जो ना ऐसे खट 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 इस तरीके से शायद होता होगा, ये भाई से बहुत मजबूत लग रहा है, जो बात है गाइस मेरी होगा इससे भारी तो तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़े टूटेंगे रुक जाओ, ऐसी इसमें क्या चीज है गाइस जो टूट भी नहीं रही है, 8 जब मैं छोटा था बहुत दिखता था, अब देखता हूँ तो इसमें हंसी आती है, डर नहीं लगता यार भूतों से, ये भाई साहब बारीक बारीक पिन देख रहे हो भाई साहब, ये भाई बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ये तो भाई साहब गलत लिया मैं स्कूट, ये भाई आगे पीछे होते हैं, देखो ये भाई इसे खोल के देखना तो बनता है बस, तो भाई आपको भाई थोड़ा हथौड़ा मजबूत लेकर आ गया है, मेरे ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ भाई साहब क्या मस्त चीज़ लग रही है बहुत अंदर से, मेरे दोस्त सोना हगले देखो भाई साहब हगले हीरे मोती, ये भाई कुछ इस तरीके से निकला गाइस, मतलब आइटम
और गाइस हम गेट खोलते का लगता है जैसे झुंझुना बज रहा हो, ये अलग ही टेक्नोलॉजी लगाई है गाइस हमने। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का, तो भाई यहाँ पे निकले टुन टुने से। कहीं गाइस में माल दर्द नहीं हो गया, सोना तो नहीं है इसमें, हो भी सकता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। भाई ये क्या चीज़ है भाई, ओहो भाई देखो इसमें छोटे छोटे भाई कोयल लग रही है, अरे बाप रे भाई आइटम पहले बार देखा, मुझे अभी लग रहा है भाई सही है ऐसे ही धक्के लेते होंगे भाई एक दूसरे को। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा यहाँ पर भाई, निकल जाए यार ये उंगली में घुस जाएगा भाई, लेने का कहीं देने पड़ जाएंगे फिर से मेरे को। आजकल गाइस मैं देख दे रहा हूँ भाई साहब, चलो भाई यहाँ पर आप देखो भाई, चलो गाइस इसमें गाइस ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो भाई इसमें छोटी छोटी कोयल लग रही है देखो बॉस, जरा क्या मस्त लग रहा है देख रहे हो, इसका सर्किट है क्योंकि समर यार भैया मैं कोयल दिखा निकाल के। चलो भाई दिखाता हूँ, ऑफ हो जाए पकड़ो इधर कटे जरूरत ना आ जाओ, बस पकड़ो 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 पकड़ो, ये क्या आइटम है देखो तो यार तो निकल रही निकल रहा है। ओ भाई देखो एक को देखो भाई देखो, ओ भाई देखो कितना सारा है इसमें, और देखो भाई तो एक में भाई ये सिर्फ एक कोयल में भाई कितनी कोयल है, और गाइस ये एल्युमिनियम है या कॉपर है भैया से पता नहीं लगेगा, किसने के बाद इस पता लग पाएगी। गाइस ये है भैया कॉपर, छीलने के बाद आपको लगी दिख जाएगा वही कलर से। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा पतला वायर निकला है, और गाइस ऐसा सब में है, इसमें मैग्नेट तो नहीं है अंदर, नहीं भाई इसमें किसी भी तरह कोई मैग्नेट अंदर नहीं है। चलो भाई साहब ये बढ़िया था, मज़ा आ गया। ओ भाई साहब बहुत टाइम हो गया है, बनाते बनाते भाई फटाफट गाइस से आग खोलते हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों, ये फाइनल गाइस हमने खोल दिया भाई, इसमें भाई ये मोटर लग रहा है यहाँ पर देखो, और भाई सब देखते हैं भाई ये कितने वोल्ट का मोटर है, BLDC मोटर है, ब्रश मोटर है, कौन सा है ब्रश मोटर है। भाई ये इसका है कार्ड, ये आई थिंक इसका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ठीक है क्योंकि वैसे भी चल रहा था। भाई साहब इसमें तो बहुत सारा सामान लगा है भाई, इसकी पावर सप्लाई है, तो भाई ये वाली पावर सप्लाई हमारे काम आ सकती है। कितने वोल्टेज देगी गाइस इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है मैंने भाई साहब हमारे लिए। ओ भाई इसमें दो दो मोटर लगते, एक मोटर ये रहा ठीक है, एक मोटर भाई ये रहा, और भाई ये मोटर से आई थिंक नहीं चलेंगे, ये मोटर भाई साहब कार्ड से ही चलेंगे आई थिंक, ये सर्वो मोटर है, ये स्टेपर मोटर है, चार चार वायर निकलने इसके अंदर ठीक है। सारा गाइस मामला ख़राब हो जाता है कभी कभी, कोई हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती चलाने वाली, ये दोनों मोटर जो है चलो इनका भी ऑपरेशन करा लेंगे भी टेंशन मतलब। तो भाई ये कुछ ऐसा होता था मोटर, देखो यहाँ पे गाइस लग रही है जिससे भाई ये बेल्ट को खींच करके, ये अच्छा दिया रखा है इन्होंने, तो भाई मतलब ये है कि भाई फिक्स नहीं है, अगर गाइस बेल्ट लूज भी हुई ना तो वैसे इसे खींच कर रखेगा मोटर, ये बढ़ जा गियर की वजह से भरमार ऐसे आते हमारे पास गियर इतने सारे। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है इसका, इससे भाई ये पुली निकले ना, ओ भाई ये पुली वगैरह थोड़ी सी अलग टाइप की, देखो ऐसा यहाँ पे छोटे से गियर है, देखो भाई इसके तीन जो है ना खराब होने के उस पर ही है बस। वहाँ से ये रही बेल्ट, और ये बेल्ट निकलेगी नहीं वैसे क्योंकि भाई ये फंसी पड़ी यहाँ पे तीर है इसके अंदर, ये बेल्ट मस्त है भाई, ये हमारे पास जो पुली गई उनमें भी बेल्ट काम कर जाएगी, तोड़ के निकाल देंगे भाई सीधा। ये भाई साहब सॉलिड रोड है जिस पर भाई चलता है, ये भाई साहब सॉलिड है, ये बेल्ट गाइस हमारे काम की, देखो ऐसा ये वाली हमारे पास बेल्ट है, और भाई ये इन बेल्ट की हिसाब से टीथ मैच हो गए बॉस ये, तो भाई सब मस्त। तो भाई साहब फटाफट यहाँ से मोटर निकाल लिया हमने, मेरा निकालते हैं गाइस, निकाल लिया, और भाई साहब देखते हैं इस मोटर को ऐसा गाइस ये मुश्किल डायरेक्ट चलेगा ठीक है, फिर भी गाइस हम कुछ नहीं मिटाएंगे, इसका वायर भी थोड़ा भाई अलग टाइप का ही है भाई, काफ़ी मजबूत वायर है बस ये का देखो, ऐसा लगता है इस पर सोल्डिंग हुई भी है, देखा गाइस ये पूरा का पूरा ऐसे चमकीला चमकीला, क्या ये चांदी का तो नहीं भाई, देखते हैं बार बार चला के इसे चल जाए तो क्या पता। नहीं भाई नहीं चलेगा, नहीं भाई मैंने कहा गाइस नहीं चलेगा भाई, एक बार इसे खोल के देख लेते हैं ठीक है। चलो भाई इस मोटर को हम खोलने जा रहे हैं भाई, ओ भाई दिस इज टोटली BLDC 5 तो सॉरी मोटर, देखो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है दोस्त, देखो बॉस ये मस्त है जो बात है। तो यहाँ पे भाई मैं इसे आपको निकाल के दिखाता क्योंकि भाई ऐसे यहाँ पर ये फंसा पड़ा है ना, इसका जो पुली है पुली निकालने की कोशिश करते हैं, चेष्टा कहते हैं इसे, चेष्टा करते हैं, और भाई ये मुश्किल निकलेगी जी है ना, निकल गई तो कैसे निकलेगी, चलो खैर तोड़ देते हैं सीधा, क्योंकि समर भाई नुकसान कर रहा है आपके लिए, गाइस सब कुछ जायज है। वाह
वाओ वाओ भाई, भी मोटर खराब नहीं हुआ है इसके अंदर। देखो बस कैसे, देखो भाई, ओहो देखो भाई, देख रहा कैसे, देखो ये देखो भाई मस्त। और भाई ये कौन सा वायर है, कोपर का या एल्युमिनियम का? लग तो भाई एल्युमिनियम का रहा है, लेकिन नहीं भाई ये कोपर का लग रहा है बस, क्योंकि भाई ये हार्ड है वायर, लेकिन पता लग जाता है एल्युमिनियम का गाइस काफ़ी सॉफ्ट वायर होता है। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि भाई मैंने दोनों बोल दिया है तो भाई से मेरे को नहीं पता कि भाई से अब आप क्या समझोगे, समझ भाई क्या है। देखो भाई जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। देखो भाई ये कोपर है पक्का वाला है ना, मैंने भाई क्याड़ा अलग ही दिख जाता है, थोड़ा सा हार्ड वायर होता है कोपर का, एल्युमिनियम का बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट। चलो भाई साहब इसमें देखो मैग्नेट है भाई, ये मैग्नेट है, हाँ भाई ये है परमानेंट मैग्नेट भाई। अब तो इसे निकालना पड़ेगा बस, मैग्नेट का मामला आ गया, पकड़ना पड़ भाई जरा। वाह क्या मारा है भाई, ये तो शक्तिमान है भाई। देखो ऐसे इल्यूजन भाई मस्त। ओ भाई ये तो काफ़ी मजबूत है, देखो भाई हथौड़ी उठा दी भाई ना पूरी, भाई ना हथौड़ी उठा दी, देखो पूरी छोड़ना ही छोड़ दे। देखो भाई ओ भाई ओ भाई देखो काफ़ी मजबूत गाइस ये मैग्नेट है। हाँ भाई इससे वैसे करंट भी गाइस बनाया जा सकता है, ये भी घूमेगा ना भाई, देखो भाई साहब अभी घूमेगा ना, इससे हम पावर बना सकते हैं। चलो भाई साहब इस वाले को उठा कर रख लेंगे, ये काम आएगा। और भाई इसमें क्या है, और भाई इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है बस गाइस एक ही मोटर और है, इस मोटर को भाई हम रख लेंगे। और भाई इस मोटर का इसमें मैंने आपको खोल के दिखाया, बल्कि गाइस तोड़ के दिखाया, टियर डाउन कहते हैं इसे। और भाई यहाँ पर स्विच भी है, यहाँ पर कुछ सेंसर लग रहे हैं, ठीक है यहाँ पर देखिए स्विच। और भाई काफ़ी क्यूट लगता है, टुनटुने वाले स्विच, टुई 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 टुई, ये देखो भाई दो जगह काम करता है। ये भाई प्लास्टिक का रोलर है, ये मत समझना गाइस ये लोहे का है, नहीं भाई पंजे पकड़ना रहेगा, पूरा निकल गया बाप फौजी भाई। ये भाई सब माल जो बात है, रोटी बनाने का माल लट भाई। तो भाई बाप फौजी भाई भाभी को देता हूँ, तो मैं पेट रोटी बनाएगी, बहुत बढ़िया। और गाइस रोटी आएंगी काली 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 रोटी आएंगी गाइस, क्योंकि भाई उसमें इंक लग जाएगा। मैं बाप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बताया। तो चलो भाई ये भी आयन करते हैं, काफी लंबा गाइस ब्लॉग हो जाता है। तो भाई ये मोटर मेरे को काफी मस्त लगा, काफी क्यूट लगा, तो भाई छोटे छोटे चीज है गाइस मजा आता भाई देखने में। कुछ चीज पुरानी चीज तोड़ते हैं, कुछ नई चीज हमें देखने को मिलती है। देखो भाई पुरानी चीज तोड़ते हैं, नई चीज भाई हमें देखने को मिलती है। तो भैया यही ब्लॉग का एंड करते हैं, हेलो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, तुम कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट करो जो भी लगा कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू।